बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जीव विज्ञान के इस शिक्षा दिगम में हम जानेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं ऑटोसोम्स है क्या। आप बताया गया पहले से ही कि जो ऑटोसोम्स होते हैं ये हमारे दैहिक उत्सव होते हैं, दैहिक उत्सव होते हैं, जिससे हमारे बॉडी का पार्ट्स बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि जो हमारा रोग आ रहा है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में से वह हमारा है पहला डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना, इसकी खोज किया था लैंगडन डाउन ने। लैंगडन डाउन और उन्हीं के ही नाम से इस रोग का भी नाम रखा गया है डाउन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को खोज करता थे आपके लैंगडन डाउन। ठीक, अब इसके आगे कहा जाता है कि इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 46 में प्लस वन होती है, लेकिन कहता है कि 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम अधिक आ जाता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकाधि सूत्रता। ठीक है, अर्थात तो यह होता है हमारा ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है, अर्थात तो 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिससे हमारा रोग आता है डाउन सिंड्रोम। तो इस कंडीशन में 46 क्रोमोसोम आपके प्रत्येक कोशिका में होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम बढ़ जाने से यह 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। कितना होगा? 47 क्रोमोसोम। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं लक्षण क्या दिखता है। लक्षण में दिखेगा इनके पास जो व्यक्ति होते हैं इनका चेहरा मंगोलों के समान दिखता है, चेहरा मंगोलों के समान दिखेगा, और इसी की वजह से ही इसे हम मंगोलियन गर्भवृद्धता भी कहते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति होते हैं इनका माथा चौड़ा होता है, हेड में आप देखते हैं फोरहेड माथा चौड़ा होगा। ठीक, उंगलियां छोटी होंगी। ठीक है, और चेहरा चांद के समान। नाक थोड़ा सा चपटी होगी। ठीक है, कान होंगे छोटे और गोल होते हैं। ठीक है, और इनका जो होता है बुद्धिलब्धि को कहते हैं हम आईक्यू की, अर्थात इंटेलिजेंट कोशेंट होता है बुद्धिलब्धि। आईक्यू जो है यह लमसम 25 से 70 तक होता है। ठीक है, तक होता है। और इनका जो होता है लगभग अनुपात का देखा जाएगा तो 20,000
किस रोग से ग्रसित होता है, ठीक है। अनुपात यहां पर दिखाएंगे 2020 से अनुपात 1:1 है, ठीक है ना। ये रहा हमारा आज का पहला टॉपिक डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट सिंड्रोम का नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक था एडवर्ड सिंड्रोम। इसके खोज करता थे थॉमसन एडवर्ड, ठीक है, और एक नाम से ही बना हुआ है यह एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक। इसमें बताया गया है कि कर जो क्रोमोसोम संख्या होता है या भी 46 में प्लस 1 होता है, अर्थात 47 का क्रोमोसोम होता है, होता किस पर है। यहाँ पर जैसे 18th पेयर होता है, 18th पेयर पर 18th पेयर की ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी। जैसा कि आपने कहा इसके पहले के वीडियो में देखा था कि आपने बताया था कैरियोटाइप क्रोमोसोम्स का कैरियोटाइप। यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं सभी पेयर में होते हैं अर्थात जोड़े में होते हैं। जैसा यहाँ पर कह रहा है ट्राइसोमी का अर्थात इसी नंबर पर जो है एक क्रोमोसोम का जो है अधिक जुड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे दो था यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इतना में बढ़ गया, यानी कि ये 18 जोड़ी पर होता है। फिर होता है 18वीं जोड़ी पर, 18वीं जोड़ी का ट्राइसोमी होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक। चलिए इसमें देखते लक्षण क्या मिलता है। लक्षण में मिलेगा जो ऐसे व्यक्ति होते हैं इनके कान विकृत होते हैं, कानों में कमियां होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में हृदय, ठीक है, हृदय में दोष मिलता है, हृदय ठीक है का बोलने का कार्य नहीं करता है, विकलांगता अर्थात तो ये बॉडी भी डिसेबल्ड होते हैं, ठीक। तथा एक वर्ष की अल्पायु में मृत्यु हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ में इनके पास होता है अविकसित जबड़ा, अविकसित जबड़ा होता है, अंगुलियां छोटी होंगी, अंगुलियां जो है छोटी होती हैं, ठीक। इनका वजन लेकिन वेट भी कम होगा और आंखें भी छोटी होंगी, ठीक। ये तो है लक्षण, इनके कान खराब होंगे, कानों में जो है हमेशा जैसे पानी जैसे बहता रहता है, हृदय में हो सकता है इनके हृदय में छेद हो सकता है, ठीक है ना। अर्थात ये प्रॉपरली हृदय से भी इतना जो ब्लड पंपिंग का कार्य होता है नहीं कर पाते हैं, और ये बॉडी जो है कि कहीं पैर से या हाथ से कहीं थोड़ा सा ऊपर से भी विकलांग सकते हैं। और इनकी जीवन शैली होती है या लगभग जीवन क्या होता है यह अल्पायु की होती है और लमसम एक वर्ष में ही ये खत्म हो सकते हैं, अर्थात ज्यादा जीते नहीं है। इनका आप निकाल लेते हैं अनुपात ये कहता है 7000 बच्चों में से अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो हो सकता है कि कोई एक आध व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो सकता है, ठीक है ना। 7000 रेशियो
बच्चों हमारा इसमें नेक्स्ट डिसीज है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम इसकी खोज किया था के पटाऊ ने, तो इन्हीं के नाम से इस सिंड्रोम का नाम रखा गया था पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है जो यहाँ पर ये 40 क्रोमोसोम तो आपके बॉडी में होते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा में आ जाता है, तो क्रोमोसोम की जो संख्या है यहाँ पर भी 47 हो जाती है, ठीक। लेकिन होता किस पर है ये, अब आती है बात क्रोमोसोम के 13वीं जोड़ी पर। 13वीं जोड़ी पर एकाध सुप्तता होती है अर्थात ट्राइसोमी ऑफ 13th पेयर, एकाध सुप्तता, ठीक है, एक अधिक सूत्रता यानी क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है ना। तो 13th पेयर पर होता है, 13th पेयर, ठीक है ना, कि ट्राइसोमी होती है। और तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम बनता है आप से निकाल सकते हैं कैरियोटाइपिक फेस पर कैरियोटाइपिक मिलेगा। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में तो होता है लेकिन इसी एक 13th पेयर पर एक क्रोमोसोम यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, ठीक है ना। इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के आने से लक्षण भी बदल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए लक्षण रख लेते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके आंतरिक अंगों में काफी विकार उत्पन्न होते हैं, आंतरांगों में, ठीक है ना, अनेकों अपसामान्य विकार होंगे, ठीक है। मांसपेशी कमजोर होती है, मांसपेशी कमजोर होगी, तंत्रिका दिन का दर्द कम रहता है, ठीक है ना, मांसपेशी कमजोर दिखा देंगे। और तंत्रिका तंत्र विकृत होगा, ठीक। और हृदय संबंधी विकार भी होते हैं, हृदय संबंधी विकार होंगे। और इनका जो निकालना होता है अनुपात के केस में हम पाते हैं कि ये 10,000 रेशियो 1 होता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति इस तरह से मिल रहा है तो हम कहते हैं कि अगर विश्व भर में पूरे इस संसार में अगर 10,000 बच्चे एक में पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कोई एक ऐसा है जो कि इस रोग से ग्रसित तो हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आज हमने पढ़ा है कायिक सूत्रों की असमानता, ठीक है ना। इसमें से अभी काफी रोग ऐसे भी हैं जिन्हें तो हमें नहीं पता है, ठीक है ना, और आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ। एक सिंड्रोम है जिसका नाम होता है क्राई डू चैट सिंड्रोम होता है, जिसमें जब बच्चा रोएगा तो बच्चे के रोने पर म्याऊ की आवाज आती है, ठीक है ना। बच्चे के रोने पर बिल्ली की जैसी आवाज आती है, म्याऊ की आवाज आएगी, ठीक है। और यह जो क्रोमोसोम का अगर हम बात करते हैं तो लमसम जो है यह फिफ्थ क्रोमोसोम पर होता है, फिफ्थ पेयर की ट्राइसोमी होती है, ठीक है ना। यही एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं है फिफ्थ पेयर की ट्राइसोमी होती है। तो
तो यहाँ पर यह रोग हो जाता है क्राइडूचाइट सिंड्रोम। और इस कंडीशन में जब बच्चा रोता है तो बच्चे के रोने पर म्याओ